नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षा ब्लॉग्स के नए वीडियो में। और आज जो वीडियो वो हमारा सर्विस के रिलेटेड है, अपनी पल्सर 220 जा रही है वापस। इसमें दो तीन चीज़ें हैं वो मुझे करवानी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आरपीएम मीटर नहीं चल रहा है, जो काफ़ी बंदों ने बोला था, तो आरपीएम मीटर चेक करवाना है। स्पीडो मीटर भी नहीं चल रहा है, वो चेक करवाना है। पॉल्यूशन मैं इसका करवा चुका हूँ, ना पॉल्यूशन हो ही चुका है, इंश्योरेंस इसका है ही है ये, और क्या कहते हैं हवा भी ये चेक कर ही रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर होनी है वो क्लच प्लेट बदलवाऊंगा, इसके फ्रंट और रियर डिस्क पैड्स हैं। और मैं ये भी लेके आया हूँ, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों नए गुटके हैं, ये दोनों भी डलेंगे। तो बने रहिए भाई अक्षा ब्लॉग में। शोरूम सर्विस सेंटर बता दिए भाई, जो चीज़ें होनी है वो होनी है, आरपीएम मीटर और स्पीडो मीटर दोनों चेक होंगे, चल नहीं रहे। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आरपीएम मीटर वो बस एक बार ऐसे चलता है, बट उसके बाद चलता नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है, वो दिखानी है। स्पीडो मीटर अभी आया हूँ तो चलने लग गया, देखो 571 था, 573 हो गया, लेकिन अभी 2 किलोमीटर पहले ही चला है, तो मैंने कहा चेक कर देना। मिरर्स के लिए मैंने बोल दिया अगर मिरर्स नए पड़े तो नए लगा देना यार, ये बहुत ख़त्म है, देख रहे हो जंग लग गई है, बहुत बुरा हाल है, तो इनके लिए बोल दिया मैंने। प्लस मैंने बोला रबिंग और पफिंग दोनों कर देंगे, 400 रुपये की है, तो मैंने कहा बढ़िया हो जाएगी, चमक जाएगी। छोटा सा स्क्रैच लग गया अगर आप नहीं दिख रहा होगा। उसके अलावा क्लच प्लेट बोल ही दी है मैंने कि क्लच प्लेट डालनी है भैया। उसके अलावा और क्या बोला है, नॉर्मल सर्विस बोली है, जनरल चेंज, एयर फिल्टर साफ, एयर फिल्टर चेंज वगैरह होगा, और फ्रंट और रियर डिस्क पैड बोले हैं, जो कि लगभग ख़त्म हो गए। अगर आप देखोगे डिस्क पैड्स बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि ग्रिप ही नहीं आ रही है, और ट्राई कर लिया मैंने सब, और बाकी जनरल गाड़ी देखते हैं, कह रहे हैं भैया टाइम लगेगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पूरा टाइम लेके आए हैं हम लोग आपके लिए, पूरा टाइम लीजिए। तो जी बने रहिए अक्षा ब्लॉग्स में। जी तो मेरा सर्विस सेंटर नीचे है, अपना शोरूम, तो थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, तो जो यहाँ पे एसी वैसी चलता है। ओ भाई डोमिनार शोमिनार खड़ी है, D400 भैया, अगर इसका वीडियो चाहिए तो बताइएगा, डोमिनार 400 का भी वीडियो बना सकते हैं हम आप लोगों के लिए, यहाँ पे बात हो रखे, तो इनकेस इफ यू नीड लेट अस नो। अरे वाह यार, नई वाली डोमिनार में इन्होंने ये दे दिया, ओह नाइस, ओके, ओह यार नाइस मिरर्स, देखो है ना हैवी मटेरियल है, नाइस। आई थिंक ये टॉप वेरिएंट है, बिकॉज इसमें देखो नकल गार्ड्स भी आगे लगाए हुए हैं, USD फोक्स तो अपने हैं ही हैं, और अच्छी लग रही है डोमिनार। आशु भाई दिलवा दो यार, डोमिनार दिलवा दो, काउल भी, ये जो इंजन होता है सपोर्टर कह लो या चाहे इंजन गार्ड कह लो, ये भी अच्छा लगता है। दिस इज़ नाइस मोटरसाइकिल है ना। तो आशु भैया ने एक छोटा सा कार्य दिया है हमें, कार्य ये है कि KTM हस्कवरना के शोरूम पे जाना है, और ये पता करके आना है कि भैया वहाँ पे हमारी हस्कवरना 401 आई हुई है कि नहीं, और यहाँ पे यामाहा का भी शोरूम है, यारामा बोल रहा हूँ, हालत देखो लकड़बकड़ा जाता हूँ मैं, लकड़बकड़ा जा। तो आगे से राइट लेना है, फिर पहुँचते हैं, 500-700 मीटर दिखा रहे हैं यहाँ से, भाई आज पीछे रह गया, बाइक में लगेगा टाइम, क्योंकि मैंने कंप्लेंट भी दी है, पार्ट्स भी चेंज होने हैं और सर्विस भी होनी है, तीन काम है, थोड़ा सा लंबा हिसाब किताब है। 700 मीटर पैदल चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आशु भैया ने किस लिए भेजा, वो ब्लॉग अलग होगा, उसके लिए भी बने रहिएगा, ठीक है ना। अब जाके 2 बजे लग रही है सर्विस, कहानी ये है कि गाड़ी सर्विस लगभग हो चुकी है, मैं कोटिंग अब करवाऊँगा नहीं, क्योंकि इन्होंने बोला है ये जो पार्ट है ये मीटर ख़राब है, कह रहे कि मीटर नया आ नहीं रहा है और इसका RPM नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा, तो कोटिंग और ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश करी है, जो कि मुझे लग रहा है, और ये जो है ये प्लग तो ख़राब ही ख़राब है। बाइक अब जा रही है हमारी वॉशिंग के लिए, मैं आपको जब क्या आ जाएगी तब बताऊंगा क्या हुआ है और क्या क्या इसमें चीज़ें रहती हैं। ये हमारी धुल में तो गणित ये है कि जो बॉक्सेस है ना, ये वाला स्टार्टर का और साइड का, वो दोनों हमारे रखे हुए हैं, वो लगे नहीं है, क्योंकि इसमें 2 कपलर है, इसमें 1 कपलर है, मेरे पार्ट जा रहा है, ये इसका सॉकेट है, ये वैसे ही हिल रहा है, तो इसके सेल्फ में दिक्कत है। तो इसका अगर आप देखोगे ना, ये एक सॉकेट यहाँ जा रहा है, ये वाला, इसमें तो भले ही 2 हैं, इसमें सिर्फ 1 कपलर जा रहा है। अगर आप देखोगे ये मोटा वाला तार है और ये घूम के इधर आ रहा है, आगे से आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ये वाला तार है, ये वाला, तो ये 1 कपलर है। तो वो कह रहे हैं कि भैया जब 1 कपलर है तो 2 कैसे लगेंगे। तो जो बाइक में काम हुआ है वो आपको बता देता हूँ, मैंने कोटिंग नहीं करवाई है बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं लगी, मैंने कहा जब काम ही पूरा नहीं कर रहे तो इग्नोर करो, छोड़ दिया। उसके बाद क्लच प्लेट हमने नहीं डाली है, हमने सिर्फ इंजन ऑयल डाला है। हॉर्न हमारी गाड़ी का अभी आते आते मैंने कम से कम गाड़ी चलाई है 110-111, तो गाड़ी गर्म फुल ऑन हो रही है, बट एक हॉर्न नहीं चल रहा है, वो भी मुझे दिखाना है।
सेकंड जो हमारा और मेरा पॉइंट है वो ये है कि इस गाड़ी का ये वाला पार्ट नहीं मिला है उस साइड का, लेफ्ट राइट साइड का, लेफ्ट का मिल गया। और डिस्क पैड्स हमारे नए डली गए हैं आगे और पीछे दोनों, अगर आप देखो आपको दिख पा रहे होंगे। तो ब्रेक्स अच्छे हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू अलिया। मैंने बोला था उनको अलॉय साफ़ कर देना, बट इसमें तेल है तो खुद ही साफ हो गया, या रीपेंट होगा। तो बाकी गाड़ी देखो फर्स्ट क्लास लग रही है। ये वाला इसके अंदर नट नहीं था, उन्होंने नट डाल दिया। वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं कर रही है गाड़ी, मस्त हो रखा है, ठीक लग रहा है हिसाब किताब। तो अभी फ़िलहाल की कहानी यही है दोस्तों मित्रों यारों। अभी जब ये नए कपलर्स आते हैं तो उसको नए कपलर्स लगाऊंगा, कल इसमें टेपिंग करूँगा। ये वाले पार्ट दोनों डलेंगे, ये पार्ट है इसमें तीन है कपलर्स बेसिकली। अब वो पता नहीं 3:1 का करेंगे या कैसे करेंगे, वो मुझे आइडिया नहीं है। और ये वाला एक कपलर उन्होंने, ये मैंने निकाल दिया, दूसरा वाला मैं अभी और देखता हूँ। मैं आपको फिर से बता देता हूँ गाड़ी का खर्चा हुआ है 2,091 रुपये, यानी कि 2,100 रुपये, जिसमें ये अभी पार्ट बदले नहीं है, ये मैं कल बदलूँगा। हो सकता है मैं आगे व्लॉग बनाऊँ, तो अभी मान के चलेंगे इसको बंद नहीं करेंगे व्लॉग को। मिरर्स मिले नहीं ये वाले, ये थोड़े से पुराना, ये देख रहे हो आप हिल रहा है और पुराना हो चुका है। इसकी जो अंदर बोल्ट होते हैं वो, उसकी लाइफ ख़त्म है, चूड़ी ख़त्म हो गई है। ये वाला भी सेम है बट ये चल रहा है, तो मैं चाह रहा था इसको रिप्लेस करूँगा। अब ऑनलाइन देखूँ अगर मिल जाए तो। RPM मीटर हमारा चला नहीं, टैंक हमारा ठीक है, और वो हमारे आशु भैया हैं। जय हिंद आशु भैया। जय हिंद, जय श्री राम। तो देखो दोस्तों कल मैं, और एक हॉर्न चल रहा है एक नहीं चल रहा है, तो कल अगर टाइम लगेगा तो इसका थोड़ा सा साफ सफाई करके। इसमें आशु भैया मेरी यामाहा R15M है। उसमें क्या? उसमें पापा वाली स्कूटी है, नई वाली। उन दोनों में बुलेट है, दोनों दोनों टुकाटी और हट लिया, तो उधर स्कूटी है एक बार। तो जी देखो फिलहाल की कहानी यही है, अभी इस पर कवर डाल रहे हैं, और सुबह अगर मैंने खोला कवर तो ये दो काम करूंगा, उसके बाद आपको आगे और बताएंगे। तो व्लॉग खत्म नहीं कर दे अभी ना, वो देखो तुम्हारा एला है, वो एला। जैसे व्लॉग खत्म नहीं करेंगे तो मैंने यहाँ पे नया वाला लगाया है, ये पुराना है, ये भी इसको रिप्लेस करूंगा। ये पुराना वाला रखा है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, ये पुराना वाला है। अभी जब मैं चालू करूंगा तब दिखाता हूँ, अभी ये स्टार्ट नहीं है, गाड़ी स्टार्ट है देखें, क्योंकि उन्होंने प्लग अभी लगाया नहीं है। मैं प्लग लगाता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ गाड़ी की कैसा हॉर्न वगैरह चल रहा है कि नहीं। प्लग मैंने लगा दिया है, नाउ लेट्स सी इसमें क्या हो सकता है। इधर से इंडिकेटर चलना चाहिए अगर हम जलाते, तो दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा। हाँ जी, अगला एंड देन पिछला भी जल रहा है, और इसको बंद किया तो वो बंद भी हो गया। नाउ लेट्स टुवर्ड्स राइट, राइट वाला भी बढ़िया जल रहा है बिनोद, ठीक है ना। अब बंद हो गया वो इंडिकेटर भी, अपना बटन के हिसाब से जल रहा है, ठीक है। नाउ देन कम्स दी पास, अगर हेडलाइट देखें, इसको चलाते हैं जल रहा है आपका डिपर। देन गोज दी हॉर्न, अरे क्या बात है, दोनों चल रहे हैं। और सेल्फ के साथ मैं हाइब्रिड लोगिन दिखाऊंगा आपको, दैट मींस हमारा काम बढ़िया हो गया है। ये भी मिंडा का है, ये भी मिंडा का है, टेस्टेड ट्राइड सब कुछ है। ये पुराना वाला भी मिंडा का ही था, निकाल रहे हैं और इसको लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये पुराना है, ये अपने इसमें भी ये किया कि इसका जो वायर है उस पर टेपिंग कर दिया, बिकॉज इनकी क्वालिटी तो कह नहीं सकते कि बेकार है, बट पुरानी बहुत है क्योंकि मॉडल ही पुराना है। तो मैं इस पर भी एक टेपिंग करूँगा ताकि थोड़ी लाइफ चल जाए इसकी, दिखाता हूँ आपको। टूट गया बट इसके अंदर जैसे आपको पता होगा कि एक्सेलेटर वायर होता है ना, इसको निकालते हैं और आगे तो करते हैं। कहानी ये है, ये हमने लगा दिया बट ये थोड़ा सा ढीला है, इसको टाइट करना पड़ेगा, ये परफेक्ट है ना। और ब्लैक वाला हमने ब्लैक में सॉकेट लगा दिया टेस्टिंग के लिए, रेड वाला रेड में लगा दिए। अब ये वाइट वाला ना ग्रीन में जाएगा, इसके अंदर देखो ग्रीन है, तो अब शायद मेरे ख्याल से वाइट आने लगा होगा इस वजह से। इसको और लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। तीनों सॉकेट लगा दिए, ये दो है जो हमें इन दोनों में लगाने, ये आपको अब दिख रहे होंगे ना इन दोनों में, ये वाले जो है इनमें लगा तो सब कुछ दिया है, बट आई होप कुछ धूम धड़ाका ना हो, 150 ना हो जाए। तो जी इसको कर दिया है, लो बीम कर देते हैं ताकि वो नॉर्मल चल जाए। इसको इग्निशन कर देते हैं, लाइटें हैं, इसको देखते हैं पहले, ट्राई करते हैं क्या सीन है। अरे भाई इससे तो पार्किंग लाइट हमारी जल गई है, और जो अपना मेन लाइट है उससे ट्राई करते हैं। एक्चुअली नहीं जलेगी बिकॉज ऑन नहीं है काफ़ी देर से, और अगर डिपर क्यों नहीं जल रहा, हाई बीम नहीं जल रही हमारी, तो मेरे ख्याल से एक बार ऑन करके देखते हैं सेल्फ को, ट्राई करते हैं। जय हो प्रभु भगवान। अरे भैया ओके यार, भैया बता रहे हैं ये वाला जो दिक्कत आ रही है ना सेल्फ की, दिखाता हूँ भैया आपको ये वाली।
देख रहे हो आवाज़ आ रही है। ये कह रहे हैं कि प्ले की दिक्कत है, तो मैं एक पार्ट है वो मंगवाया, वो लेके आया हूँ। ये रहा, लाओ कागज़ दो मैं लिख दूँ। ये एक पार्ट है, ऐसे वन स्टार्टर है, ये मुझे पड़ा है, ये और ये इसका पार्ट है। ये दोनों मुझे पड़े हैं 630 रुपए के, इंक्लूडिंग एल एन की नोटबुक्स और एलपी। भाई कर रहा है, कह रहे हैं कि वो वन वे का दिक्कत है, उसके बाद हो जाएगी। देखो आई होप इससे इशू रिजॉल्व हो जाए, फिर आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं एक नंबर प्लेट बनवा रहा हूँ अक्षा ब्लॉग से, स्टिकर के साथ। पंचर का मैग्नेट कूलर लेगा। अब इसके बाद अगली बार मैंने सोचा क्लच प्लेट मंगवाई है, इसलिए पहले 3 दिन लगेंगे, तो क्लच प्लेट भी बदल जाएगा। देखते हैं वन वे काम कर जाए। सेल्फ चेक करो तो ये देखो हो। अरे क्या, ये थोड़ा ढीला है ना, इसको करेंगे ठीक है। झटका सा तो अभी ले रही है, वो वाला झटका नहीं ना, जैसे पहले बैरिंग फ्री सी आए कि सेल पहले फ्री जाएगा। हाँ वो फ्री नहीं है ना। हाँ फ्री नहीं, एक बार में हो तो रही है। कहानी ये है कि हमने इसको काम करवा लिया, जो ये करवा दिया जी, काम करवा दिया। और देखो सब कुछ चल रहा है। ये RPM जी मीटर है, उसके लिए एक व्लॉग में अलग बनाऊंगा, उसमें कह रहे हैं सूरजपुर मुझे जाना पड़ेगा। इनकी हालत देखो इसमें भी काम रह रहा है। इसमें दो काम रह रहे हैं मेन, एक अलॉयज पेंट, इंजन पेंट एंड RPM। हाँ अच्छा, तो RPM एंड क्लच प्लेट, तीन काम रह रहे हैं। वो 2-4 हज़ार का खर्चा है, वो आराम से करवाऊंगा। ये आज उन्होंने बोला बदलने की जरूरत नहीं है, कॉइल मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने कॉइल बदल दिया, वन वे बोलते हैं। लाइट अपनी फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हो। हाई बीम, लो बीम, फर्स्ट क्लास चल रहा है हिसाब किताब। एंड अगर मैं सेल्फ आपको दिखाऊं, इसको ऑफ करके, गाड़ी स्टार्ट है, एक नंबर गाड़ी आपकी स्टार्ट है। 600-700 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। ब्लॉग को अशुभ यहीं समाप्त करेंगे हम लोग, क्योंकि अलर्ट डूबी के जाने का टाइम है। वक्त दुल्हन की विदाई का वक्त नहीं बदला। तो जी अभी का ब्लॉग यही है हमारा, ऊपर से नीचे तक बदल गया। तो आपको बताइए, मैंने ब्रेक पैड्स डलवाए थे फ्रंट के, एक नंबर गाड़ी हो रखी है इस टाइम। अगले ब्लॉग के ब्लेप बना रही है, और जो भी सवाल हो पल्सर से रिलेटेड पूछ लीजिए। 220 से, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।